एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पाकिस्तान अफेयर्स, और 1947 से वो इवेंट्स पूछते हैं बस अगर पूरे अपडेट 2018 तक। तो मैं आपको एक पूरे इवेंट बता रहा हूँ, और जब इस वीडियो को देखिएगा तो दो दफ़ा, एक बार से सुनने के लिए, एक दफ़ा लिखने के लिए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारे पहले गवर्नर जनरल कायद अजम थे और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भी थे। हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर सर जफरउल्ला खान साहब थे, और हमारे पहले चीफ जस्टिस चौधरी अब्दुल रशीद साहब। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना 1947 को, तो गवर्नर जनरल के अलावा जो कायदे आजम के पास होता था वो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली के स्पीकर का भी था। कायदे आजम और लियाकत अली खान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मुल्क को इब्तदाई हालात में संभालने की, क्योंकि उस वक्त जो सिचुएशन थी एक भी बिल्कुल नया मुल्क बना था, और स्टेट बैंक का जो रोल प्ले किया था वो अभी पेंडिंग है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीएसएस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है वो जनरल नॉलेज के लिहाज से। एक एक पॉइंट, एक एक की पॉइंट आप अच्छी तरह नोट करके रखें, ये सब आपके काम आएंगे। अब इसके बाद बड़ी अहम तरीन बात, 30 सितंबर 1947 को हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने, यूएन। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इनोग्रेशन किया कायदे आजम ने, और स्टेट बैंक के पहले जो गवर्नर बने थे वो कौन थे, जाहिद हुसैन। उन्हीं के बेटे नासिर असलम जाहिद बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और बड़े नामी गिरामी जज रहे। मेरे भाई 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम की डेथ हुई, और कायदे आजम की डेथ के सिर्फ दो दिन बाद 13 सितंबर 1948 को इंडिया ने हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और मंगरोल पे कब्जा कर लिया। किन किन जगहों पे? हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और मंगरोल। मैंने फिर का वीडियो रिव्यू करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके सहन में रहेंगी। कायदे आजम की वफात के बाद सेकंड जनरल गवर्नर जनरल बने ख्वाजा नाजिमुद्दीन। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई लियाकत अली खान ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे उर्दू में करारदाद का मकसद कहते हैं, इसी की बेस पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में लियाकत अली खान की लियाकत पार्क में डेथ हुई, और लियाकत अली खान की वफात के बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो बने ख्वाजा नाजिमुद्दीन। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल भी थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी, और लियाकत अली खान के बाद थर्ड गवर्नर जनरल कौन बने, मलिक गुलाम। और मलिक गुलाम के बाद जो चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल बने सिकंदर मिर्ज़ा, क्योंकि 23 मार्च 1956 को जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म कर दिया, और लियाकत अली खान लास्ट गवर्नर जनरल के साथ साथ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बना। थर्ड और फोर्थ प्राइम मिनिस्टर के नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी मोहम्मद अली बोगरा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली बोगरा, और फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली। 23 मार्च 1956 को स्टेट बैंक के गवर्नर तो चेंज हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पर, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ अक्टूबर 1958 में है लगाने वाले अयूब खान के, 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी हुआ जिसके तहत इंडस, चेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को मिला, रावी, सतलज और प्यास का वाटर इंडिया को मिला।
1962 23 मार्च को पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना जो प्रेसिडेंशियल बेस था। छब्बीस नवंबर को पीटीवी का इख्तिताम हुआ। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और इस दिन हम डिफेंस डे बनाते हैं। 7 सितंबर 1965 एयर डे बनाते हैं और 8 सितंबर 1965 हम नेवी डे बनाते हैं। 10 जनवरी 1966 ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ। 1969 अयूब खान का रेजिग्नेशन, यहिया खान का प्रेसिडेंट।